और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी दंगल के बीच मंगलसूत्र और संपत्ति के मुद्दे पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति के अधिकार का मुद्दा फिर उठाया और सैम पित्रोदा के बयान पर वार किया। सैम पित्रोदा कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में संपत्ति के अधिकार को लेकर बयान दिया था। पीएम ने उसी बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर घेरा है चुनावी मंच से। एक बार सुनिए पीएम ने कहा क्या। शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीठ परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। पीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण कोटे में सिंधमारी की तैयारी में है। कांग्रेस धर्म के आधार पर ओबीसी और एससी एसटी कोटे में सेंध लगा सकती है। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी
और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स मारेगी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमासान छिड़ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है और जब पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। उन्होंने कांग्रेस से अपने घोषणा पत्र से सर्वे की बात को वापस लेने की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। वहीं जिस आर्थिक सर्वे के आधार पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है उसे समझाते हुए राहुल गांधी ने बताया आजादी के 70 साल बाद ये जरूरी है और इसके लिए पहले जाति जनगणना जरूरी है, फिर आर्थिक सर्वे और फिर संस्थाओं का सर्वे, जिसके बाद आबादी के आधार पर हर किसी को अपना हक मिल सकेगा। ये राहुल गांधी की बड़ी बात है। अब ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है, वो जाति का सर्वे है मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा? देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है, इस संस्था में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने आदिवासी, वो सब संस्थाओं का हो, तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मान लिए इसको। और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लॉजिकल है और इसका कोई इतराज नहीं कर सकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस आर्थिक सर्वे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है उस पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने मुहर लगाते हुए अमेरिका में लगने वाले 55% वेल्थ टैक्स का जिक्र किया तो उस पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है और अब कांग्रेस का कहना है कि उनका सैम पित्रोदा के बयान से कोई वास्ता नहीं है।
जबकि सैम पित्रोदा का कहना है कि उन्होंने अमेरिका में लगने वाले टैक्स को उदाहरण के तौर पर पेश किया था और उनके इस बयान से किसी पार्टी की नीति का लेना देना नहीं। वही कांग्रेस का कहना है सैम पित्रोदा के बयान को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जा रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि ये इंडियन नेशनल पोजीशन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने बयान दिया कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, वैसी व्यवस्था पर हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए और इसी के आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की वकालत कर रहे हैं, जिस पर चुनाव में लगातार पीएम मोदी हमलावर हो चुके हैं। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies. New programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उस पर भले ही कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस के ही उदित राज ने उनके बयान का समर्थन कर दिया और कहा कि अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से ही आगे बढ़ा है। उन्होंने जर्मनी का भी हवाला दिया, वहां का उदाहरण देते हुए कहा जर्मनी में भी विरासत पर 55% टैक्स है और बच्चों को 45% हक ही मिलता है। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, बातचीत सुनिए। पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी सैम पित्रोदा जो बयान दे रहे हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उत्तरा जी क्या लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है कि जो विरासत कर है वो लगाया जाता है किसी की मृत्यु के बाद, आधी संपत्ति सरकार के पास जाती है, पब्लिक के लिए जाती है। अमेरिकन सिस्टम से कितना मोहब्बत करते हैं खासतौर से आरएसएस वाले और बीजेपी वाले और गुजरात के लोग। आईआईटी पढ़ाई आईआईटी में करेंगे सरकारी पैसे से और नौकरी लेने वहां चले जाते हैं, बिजनेस करने वहां चले जाते हैं, घर वहां खरीदेंगे, लंदन में खरीदेंगे, मॉरिशस में खरीदेंगे, या तो आपका दुबई में करेंगे या आप मतलब कनाडा में करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, और वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से को आप इनकार करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का, संजय जायसवाल जी का, या कहा जा सकता है रामजलान जी का, सारे के बच्चे जाते हैं पढ़ने अमेरिका। क्यों जाते हैं? अमेरिका के टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से अमेरिका आगे बढ़ा है। तरह को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है विदेशों में उसको अपनाना चाहिए और सैम पित्रोदा के उस बयान का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए कहा